नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज के इस रेडिनेस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। तो इस नए टॉपिक को सीखने से पहले जरूरी है कि हम कुछ रूल्स बना लें जो आप और मैं हम दोनों फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि आप सभी लोग जो भी बातें बताई जाएंगी उन सभी को ध्यान से सुनेंगे। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट कि आप सभी लोग ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी टैब पर, किसी मोबाइल पर या लैपटॉप पर देख रहे होंगे। और इन तीनों डिवाइसेस की सबसे मुश्किल बात या सबसे परेशानी की बात है कि ये हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने नोटिफिकेशंस की वजह से। तो जरूरी है कि आप सभी लोग अपनी सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें और फिर वीडियो को आगे देखना शुरू करें। हमारा तीसरा रूल है कि आप सभी लोग अपने पास एक पेन और पेपर रखें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें आप नोट डाउन कर सकें और बाद में रिवाइज कर सकें। चौथी चीज कि इस मॉड्यूल के दौरान हमने कई एक्टिविटीज ऐड करी हैं, तो जरूरी है कि आप उन सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें क्योंकि वो मदद करेंगी आपको इस मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए और सीखने के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पांच के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौखिक संवाद। तो जब भी हम संवाद की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ। मौखिक संवाद में बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं वो है इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, यानी कि अंग्रेजी भाषा बिजनेस वर्ल्ड में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम समझेंगे। दूसरी चीज कि जैसा हम सभी जानते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बोलना शामिल नहीं है। बोलने के साथ साथ जरूरी है कि हम एक्टिव लिसनर्स बने, यानी कि अच्छे सुनने वाले श्रोता बने। अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छा श्रोता होना भी बहुत जरूरी है। तो हम इस पूरे मॉड्यूल में ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज बेसिक ग्रामर, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम समझ लें तो हमारी नॉर्मल जिंदगी में अंग्रेजी भाषा को बोल पाना, समझ पाना हमारे लिए आसान होगा, तो हम उस पर बात करेंगे। चौथी चीज हमारा प्रोनंसिएशन स्टाइल, कि हम किस तरह से किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं ये हम समझेंगे, ये हम जानेंगे कि कैसे हम सही प्रोनंसिएशन कर सकते हैं। और पांचवी चीज कि हम आज इस मॉड्यूल के साथ साथ अपने बात करने के तरीके में बहुत सारे नई लर्निंग्स को लेकर के आए, यानी बहुत सारी नई चीजें सीखी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कम्युनिकेशन यानी मौखिक संवाद कितनी तरह का हो सकता है, या अगर हम ओवरऑल संवाद की बात करें संवाद कितने प्रकार का हो सकता है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा संचार चैनलों के आधार पर किया जाने वाला कम्युनिकेशन, यानी कि हम किस तरह से किस तरीके से बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है शैली और उद्देश्य के आधार पर, यानी कि हम किस पर्पस से बात कर रहे हैं। इन ये डिफरेंस है कम्युनिकेशन में, ऐसे कम्युनिकेशन को इन दो शैलियों में बांटा जाता है। तो जब भी हम संचार चैनलों के आधार पर बात करेंगे कम्युनिकेशन की, उसमें दो हिस्से हैं। पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। फिर जब भी हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर या शैली के आधार पर, उसमें है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये जो आज हम मेजरली बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी ओरल कम्युनिकेशन यानी बात करने का जो तरीका है, किस तरह से हम बात कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये मॉड्यूल है वो पूरी तरह से इस पर आधारित। तो चलिए इसके साथ एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आप अपने वीडियो को स्टॉप करके एक्टिविटी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स है उनको आंसर कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपने
बहुत अच्छे से करी होगी, सभी सवालों के जवाब सही से दिए होंगे। तो अब आपको एक काम करना है, आपको एक ये सोचना है कि मान लीजिए आपको कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी है और उस प्रेजेंटेशन में आपको बात करनी है, बताना है कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन देनी है और उस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। तो जैसे ही अगर आपको कोई भी ये अनाउंस करता है कि आप चलिए प्रेजेंटेशन दीजिए या आइए आपको अब स्टेज पे खड़े होकर के बात करनी है, तो हमारे कई तरह के रिएक्शंस आते हैं। कई बार आप तो ये रिएक्शंस हमें अंडरस्टैंड करने हैं सबसे पहले कि जब जब मैंने ये अनाउंस किया कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तब आपको कैसा लगा? जैसे ही मैंने अनाउंस करा तो बहुत सारे रिएक्शन आ सकते हैं। हो सकता है आपको डर लगा हो, आप नर्वस हुए हो, अरे ये क्या बोल दिया मैम ने, अभी हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपने उस टाइम पर आपको कैसा लग रहा था? और ये भी समझने की जरूरत है कि आपने क्या तुरंत प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, क्या आपने कोई सलूशन नहीं सोचा, अरे चलो मैं इस तरीके से बचने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं दूंगा प्रेजेंटेशन या मैं नहीं करना चाहती प्रेजेंटेशन। नहीं, तीसरी चीज कि जब आपने प्रेजेंटेशन बाकी लोगों की सुनी, तब आपको कैसा लगा, तब आपको क्या फील हो रहा था? आपको लग रहा होगा अरे ये तो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, मेरी पता नहीं कैसी होगी, मैंने सही बातें लिखी भी हैं या नहीं लिखी हैं। ये होता है, ये हम सभी लोगों के साथ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप प्रेजेंटेशन देने गए उस टाइम पर क्या हो, उस टाइम पर आपका रिएक्शन कैसा था। तो अगर हम बात करें कि आपका रिएक्शन किस तरह का था, तो वो रिएक्शन समझने के लिए जरूरी है कि हम एक बात को समझें, और वो ये कि जैसे ही मैंने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपके मन में एक डर आया, यानी आपके मन में शुरू में ही ये डर आ गया कि मैं कैसे करूंगी ये प्रेजेंटेशन या मैं कैसे स्टेज पे खड़ा होकर के बात करूंगा। ये एक सबसे बड़ी परेशानी है हम सभी लोगों के साथ, सिर्फ आपके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो अब आज के टाइम पे स्टेज पर खड़े होकर के बात करते हैं, उन सभी के मन में शुरुआती दौर पर कहीं ना कहीं ये डर आया होगा। और ये डर क्या होता है कि लोग हमें जज करेंगे, लोग ये सोचेंगे अरे ये तो कैसे बात करती है, अरे इसे तो बोलना ही नहीं आता, है ना, या हो सकता है लोग हमारे ऊपर हंसे या लोग हमारा मजाक बनाए, या लोग कई बार हमें ब्लेम कर सकते कि ये कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं करते हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, हमेशा गलत बोलते हैं। इन सब चीजों के लिए डर है हमारे मन में, जिसके साथ हम ऑपरेट करते हैं जब भी हमारे साथ बात होती है कि अब आपको प्रेजेंटेशन दी। तो इस डर से हमें बाहर निकलना है, इस डर को हमें खत्म करना है। तो आगे इस वीडियो के हिस्से में हम यही बात करेंगे कि हम इस डर से कैसे निकल सकते हैं और कैसे इस डर को खत्म कर करके अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा और बेटर बना सकते हैं। तो अगले हिस्से में, वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या जरूरी है अपने इस डर को खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच।